दोस्तों फाइनली यहाँ पे आप लोगों के सामने है ओप्पो A59 5G। ये स्मार्टफोन काफ़ी यूनिक और डिज़ाइन समझ में आ रहा है, जो कि अगर हम इसके डिस्प्ले से बेजल्स के हिसाब से सारी चीज़ें अगर जांच करें और देखें तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि ये आपको सक्सेसर A58 5G का ही नज़र आ रहा है, जिसमें 6.5 इंच IPS LCD स्क्रीन आता है। इसमें 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट और 720x1612 पिक्सल का रेजोल्यूशन वाला मिल जा रहा है। अगर वहीं हम प्रोसेसर की बात करें इसमें, तो MediaTek Dimensity 700 की पेशकश की गई है, जो कि ये चिपसेट 7 नैनोमीटर प्रक्रिया पर काम करता है। बेहतर ग्राफिक्स के लिए माली G57 और MC2 GPU मौजूद है। अगर वहीं हम रैम की बात करें और स्टोरेज की बात करें तो 6 GB रैम है, उसके साथ 128 GB का स्टोरेज है, और 8 GB रैम है, 128 GB का स्टोरेज है। एक और 8 GB का वेरिएंट है जो कि 256 GB का स्टोरेज है, मतलब ये 6 GB और 8 GB के वेरिएंट में लॉन्च हो रहे हैं। कैमरे की फीचर्स की बात करें तो इसमें 50 MP का कैमरा है, जो कि 2 MP का अदर कैमरा लगा हुआ है सेल्फी वीडियो कॉलिंग के लिए। 8 MP का फ्रंट कैमरा लेंस मिलता है। पावर बैकअप के लिए बात करें तो इस डिवाइस में 5000mAh की बैटरी है, 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। और अदर फीचर्स की बात करें तो डिवाइस साइड माउंटेड फिंगर सेंसर है, जो कि वाईफाई डुअल सिम 5G जैसे फीचर्स लगे हुए हैं। और मैं अगर बात करूं दोस्तों इसके जैसे कि A58 5G का ही अपग्रेड वर्जन प्रतीत हो रहा है, और यहां पर जो सर्टिफिकेशन लिस्ट हुए हैं मॉडल नंबर CPH 2617 मॉडल नंबर के साथ, जो कि BIS सर्टिफिकेशन पर देखा गया है। हालांकि मोबाइल की लिस्टिंग मॉडल नंबर के अलावा कोई और डिटेल्स जानकारी नहीं मिली है, और यही पता चलता है कि आपको कहीं ना कहीं ये नेक्स्ट मंथ के आसपास में लॉन्च होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो तक वीडियो पसंद है, जब यह लाइक करना शेयर करना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।